और तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सैकत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासाना बर्ड सेवरी में एक फिर से नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, अभी अब देख पा रहे मैं पेट्रोल पंप के पास हूं। यहां से मैं पेट्रोल लेके अपना ये बुलेट लेके मैं जा रहा। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइज बनेगा क्योंकि इसमें भी तो घर के मेंबर के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाने वाला हूं। सिर्फ मुझे और पापा को ही पता है इस सरप्राइज के बारे में, माँ को और बहन को और भाई को ये सब को पता, तो किसी को भी पता नहीं है अभी तक। और तो चलिए, सरप्राइज़ क्या होता है अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब आसनसोल छोड़ के थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो रिटर्न आने का टाइम दुर्गापुर में, मतलब जहाँ पे मेरा टाइगर का साथ टिंटिन का मीटिंग हुआ था, मतलब दित्योदय का जो रॉटविलर का फीमेल है उनके घर पे भी एक बार जाएंगे, उनके जो पप्स है उनको भी एक बार देख लेंगे। जितना बार आते हैं उन लोगों को देखने का तो बहुत मन करता है, तो एक बार रिटर्न जाने के समय उन लोग का घर में जाके भी एक बार पप्स लोगों को देख लेंगे। और सरप्राइज़ के देखने के लिए, मतलब क्या सरप्राइज़ है, इतना इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन आप लोग को मज़ा ज़रूर आएगा। तो हाय फ्रेंड्स, अभी तो आदित्यदा घर में फिर से आ गए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कैसा रॉटविलर पप्स हुआ है। 40 डेज एज भी हो गया और अभी भैया से पूछेंगे उनका वैक्सीन हुआ कि नहीं और वेट कितना हो वो भी पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ पप्स भी दिखा देते हैं। और उसका पीछे उसका देखिए, उधर फीमेल मतलब उसका मदर आई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक हाथ में मैं ले नहीं पा रहा हूँ, मतलब दोनों हाथ यूज़ करने पड़ रहा है। पहला दिन तो एक हाथ में कैसे भी ज़रा उठा पा रहा था लेकिन अभी तो दोनों हाथ यूज़ करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जब से आ रहा है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है। अभी तो नया नया इन लोगों का टीथ निकल रहा है इसीलिए थोड़ा सा कोई भी चीज़ काटने के लिए खोजता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कूल टेम्परमेंट है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और आप बोन साइज़ देखिए कितना अच्छा बोन साइज़ है, और हेड साइज़ भी देखिए काफ़ी बड़ा है। मतलब 40 डेज़ के हिसाब से इतना बड़ा रॉटविलर पप्स मैंने तो नहीं देखा। और ये जब आप लोगों के घर में जाएगा एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को भी। और अगर किसी को दिखाएंगे कि हाँ सच में रॉटविलर पप्स, अगर कोई डॉक्टर से भी पूछेंगे 45 डेज़ में या 40 डेज़ में कितना वज़न होना चाहिए, तो आपको ज़रूर बोलेंगे 4 kg प्लस होना चाहिए। अभी तो उसका सारा वजन किया, वेट इन लोगों का नापा, लगभग 6 kg प्लस वजन इन लोगों का है। अभी इन लोगों का वेट है लगभग 6 kg प्लस, तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा बहुत ही हेल्दी पप्स आप लोगों का घर में जाएगा। और बाकी तो ये मेरा और आदित्य भैया का ही होम ब्रीडिंग है, तो इसके ऊपर कोई मतलब क्या बात करें, होम ब्रीडिंग के आगे तो कुछ भी नहीं होता है। बाकी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पप्स है, बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी का, और जब आपका घर में जाएगा तो आप लोग खुद महसूस कर पाएंगे। मतलब मेरा कुछ कुछ व्यूअर्स का तो बुकिंग हो चुका है, अभी तो 8 puppies में से लगभग 5 puppies तो बुक हो चुके हैं। हम लोग का सारे व्यूअर्स का घर में जाएंगे, कुछ कुछ व्यूअर्स के घर में जाएंगे 5 puppies, और बाकी अभी 3 puppies अवेलेबल है जिसमें से 2 female है और 1 male अवेलेबल है। तो अगर आप लोग अभी लेना चाहते हैं इसको तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आ रहा है। हाँ, तो कांटेक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं ये सारे पप्स, मेरे टाइगर के और टिंटिन के पप्स आप ले सकते हैं। और इधर आ गया गोल्डन रिट्रीवर फिर से, ये तो मतलब कैमरा देख के सबसे ज़्यादा तो पहले यही एक्साइट हो गया, लग रहा है यही इंटरव्यू देगा मेरे साथ। और बहुत ही प्यारा है, 5 babies का बुकिंग हो चुका है और 3 babies अभी भी बाकी है, तो धीरे धीरे वो सब भी कुछ कुछ व्यूअर्स के कॉलिंग आ रहे हैं तो तीनों भी बुक हो जाएंगे। और लगभग कल परसों में आस्ते आस्ते सारे पप हम लोग तो चले ही जाएंगे, मतलब मेरे कुछ व्यूअर्स के घर में, तो फिर कांटेक्ट में तो रहेंगे। और अगर कोई अगर मतलब सामने सामने कोई पप्स रहेगा लोकल में, वो जब बड़ा होंगे तो उन लोगों का वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि मेरा टाइगर जैसे हो रहा है कि नहीं। शायद होगा, ब्लड लाइन तो अच्छा ही है, मतलब होगा ही। तो चलिए अभी इन लोगों से अभी अलविदा लेते हैं, फिर जाते हैं हम लोग का जो सरप्राइज़ वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे, बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग आ चुके हैं सरप्राइज़ लेके, और सरप्राइज़ लेके तो पहुंच चुके हैं घर के पास, घर का सामने ही है। सरप्राइज़ क्या है वो आप लोगों को दिखा देते हैं, थोड़ा सा छाँव में आ जाते हैं, अभी यहाँ पे धूप है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, सरप्राइज़ आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्डन रिट्रीवर का फीमेल है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का,
और हम लोगों ने लेके आया इसको, हमारे घर का एक न्यू मेंबर आ गया है। तो अभी मतलब सिर्फ मुझे और पापा को पता है, और मेरा जो दोस्त है जो कैमरा कर रहा है उसको भी पता है, तो वो मेरा साथ गया था। और अभी और किसी को पता नहीं है घर में। जाके सब लोगों को सरप्राइज़ देना है, मतलब मॉम को और बहन को दिखाना है, उन लोगों का अभी तो नहीं पता, तो चलिए उन लोगों को जाके दिखाते हैं आस्ते आस्ते। चलिए, उन लोगों का भी पता नहीं है, तो हम लोगों को जाके छुप छुप से जाना है और सरप्राइज़ देना है, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। बहन को तो बहुत दिन से ये ब्रीड बहुत अच्छे से पसंद था, गोल्डन रिट्रीवर, और माँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद था गोल्डन रिट्रीवर। जब से आदित्य था घर में देखा तब से तो और ज़्यादा पसंद हो गया, इसीलिए मैंने लेके आया उन लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी उनको हाथ में देते पपी कैसा रिएक्शन आता है। वीडियो में ज़रूर बनना चाहिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अभी बेल बजाता है घर का और देखते हैं क्या रिएक्शन आता है और कौन पहले दरवाज़ा खोलने आती है। पॉली आ गया है फ्रेंड्स, पॉली भी देख के शौक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखते हैं कौन, देखिए मोम आ गया। देखिए मोम आपके लिए क्या लेके आए हैं। चल तो चलिए फ्रेंड्स अभी बहन को भी दिखाते हैं कैसा लगा उसका बहन को। माँ को तो बहुत अच्छा पसंद आया, आप लोग देख सकते हैं, देखते के संग ही गोदी में ले लिया। और अभी तो पॉली का पत्ता कट चुका है, पॉली नीचे घूम रहा। पॉली क्या हुआ, पॉली का पत्ता कट गया आज से, पॉली आज जैसे माँ का फेवरेट नहीं रहेगा। ठीक है, जाओ तुम चले जाओ बाहर। पॉली तो माँ को नहीं छोड़ेगा, तो चलिए अंदर जाते हैं, बहन को भी दिखाते हैं। रानी किधर है, और कैसा लगा तुमको सरप्राइज? बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, देखना पसंद आया? हाँ बहुत ज्यादा, मतलब जब से आदित्य दा घर में देखा है तब से तो बहुत ज्यादा पसंद था, और उसका पहले से भी था, इसीलिए मैंने लेके आया हम लोग का न्यू फैमिली मेंबर, ये गोल्डन रिट्रीवर का एक प्यारा सा फीमेल पपी जो कि बहुत ही प्यारा है। और आते के संग ही देखिए माँ का गोद में चला गया, और पॉली ना जाने कहाँ छुप गया। पॉली क्या हुआ, पॉली आज से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, ठीक है इसको देख के, क्योंकि पॉली किसी को तो पसंद नहीं करता माँ को पास कोई जाए, हम लोग को भी बैठने नहीं देता माँ के पास। और ये तो फिलहाल इसका एक जोड़ीदार आ गया, देखते हैं क्या रिएक्शन होगा, और जैसा भी होता है पॉली क्या करते है? देखते हैं पॉली अगर उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। मेरे चैनल में आपको फिर देखने को मिलेगा कि पॉली इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये भी देखने होगा। और मॉम तो इसको एक्सेप्ट कर लिया बहुत अच्छे से, और पॉली देखिए गुस्सा से भाग गया उधर। पॉली 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 नहीं नहीं, पॉली अभी तक गुस्सा नहीं हुआ है, लेकिन पॉली को पसंद भी नहीं है। पॉली इसको ले लो, नहीं 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 नहीं, नहीं पसंद है। तो फ्रेंड्स मॉम को और बहन को सरप्राइज़ तो बहुत अच्छा पसंद आया, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद भी आया। और आप लोगों को ये सरप्राइज़ कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।